अगर मुझे एक बिजनेस करना है, स्टार्ट करना है बिजनेस, तो कितनी तरह से मैं बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ, या कितनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन विच वी कैन रन द बिजनेस। ये चीज आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज के अंदर जरूर पढ़ा होगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो थोड़ा सा एक बार हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। द फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक अकेला व्यक्ति ही बिजनेस को रन करता है। यानी कि इफ मिस्टर ए हिमसेल्फ स्टार्ट्स द बिजनेस, मैनेजेस द बिजनेस एंड अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स एनी लॉस, वो सारा का सारा किसकी जिम्मेदारी है बिजनेस करने की? मिस्टर ए की। सारा प्रॉफिट भी किसका होगा? मिस्टर ए का होगा। और मैनेजमेंट भी किसको करनी है? मिस्टर ए को करनी है। दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये चीज आप लोगों ने प्लस वन अकाउंटिंग के अंदर भी सीखी थी, जब वो बोलता था क्वेश्चन आपको कि मिस्टर ए ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है, राइट? देन देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप, जो कि हमारा ये रेलिवेंट टॉपिक है इस क्लास के लिए। एंड पार्टनरशिप जैसा ही एक और कॉन्सेप्ट होता है व्हिच इज कॉल्ड LLP और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अभी क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो देयर इज अनदर फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड पार्टनरशिप। इसमें फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, एंड दे वॉन्ट टू रन द बिजनेस और स्टार्ट अ बिजनेस जॉइंटली। सो वॉट दे विल डू इज दे विल फॉर्म अ पार्टनरशिप। तो जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे कोई बिजनेस को रन करना चाहते हैं, सो दे विल फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अभी इसी से रिलेटेड हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर है, तो इसके ऊपर डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। देन अनदर फॉर्म इज अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी बहुत सारे तरीके की बन सकती है, जिसमें मोस्ट रेलिवेंट आर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड OPC विच इज कॉल्ड वन पर्सन कंपनी। इससे रिलेटेड हमारा एक और टॉपिक है प्लस टू अकाउंटिंग के अंदर विच इज रिलेटेड टू द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी अकाउंटिंग। तो इससे रिलेटेड बात हम उस टॉपिक में करेंगे। लास्ट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर वो संस्था जो पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई गई है, यानी कि नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि इनका मेन पर्पस सोशलिस्ट पर्पस होता है, इनका कोई इकोनॉमिक या कैपिटलिस्ट पर्पस नहीं है, दे डू नॉट वांट टू अर्न प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल हो गए, कॉलेज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, टेंपल, चर्च, ट्रस्ट, ये ऑल दीज आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इससे रिलेटेड भी हमारा एक अलग चैप्टर है, सो ऑल दीज विल बी डन इन सेपरेट चैप्टर्स, ठीक है? सो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है? तो बोलते हैं पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ये एक रिश्ता है बिटवीन टू और मोर पर्संस। टू और मोर पर्संस का मतलब क्या है कि कम से कम पार्टनरशिप अगर स्टार्ट करनी है तो आपको कितने व्यक्ति चाहिए? मिनिमम दो। आई कैन नॉट बी अ पार्टनर विद माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप के साथ अपना पार्टनर नहीं बन सकता और पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। आई नीड टू हैव टू पर्संस मिनिमम, यानी कि एक ए होना चाहिए और एक मिनिमम बी होना चाहिए, तभी जाके पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। सो देयर हैज टू बी अ मिनिमम ऑफ टू एंड मोर पर्संस टू स्टार्ट अ बिजनेस। देन दे बोथ एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। कहता है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए और दो से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। एंड उनका पर्पस क्या है? दे जॉइंटली वॉन्ट टू रन अ बिजनेस टू शेयर द प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट एक्टिविटी, ठीक है? अब इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आता है? वॉट इट इम्प्लाइज इज देयर कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ टू और मोर पर्संस। जो मैंने आपको बताया मिनिमम हमारे को कितने व्यक्ति चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए? दो। अगर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एग्री करते हैं ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस कि उनको किस तरह से बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे बिजनेस को रन करना है, देन ओनली दे कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज वहां पर पार्टनरशिप नहीं हो सकती। क्योंकि अगर एक अकेला व्यक्ति है तो वो एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला सकता है। देन द बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल द पार्टनर्स, या तो अगर हम बात कर रहे हैं कि तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी, या तो वो तीनों के तीनों पार्टनर्स एक्टिवली रोज के रोज बिजनेस
की दुकान में आएंगे, अपनी शॉप में आएंगे, अपनी एरिया में आएंगे और बिजनेस को रन करेंगे, मैनेज करेंगे, या फिर कोई एक व्यक्ति बाकी सभी के बिहाफ पर भी काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सी एक पार्टनर है, थोड़ा एज्ड है, 60+ है एंड वो अच्छी हेल्थ नहीं है उसकी, तो वो क्या कर सकता है, ही कैन रिमेन द पार्टनर, बट वो सी ए और बी को बोलता है कि आप मेरे एब्सेंस में भी बिजनेस को रन कर सकते हो, यानी कि ए एंड बी विल एक्ट ऑन हिज बिहाफ। तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप इज कैरिड बाय ऑल पार्टनर, या तो सारे के सारे पार्टनर एक्टिवली बिजनेस करें या फिर कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने बिहाफ पर काम करने के लिए राइट दे सकता है। द पार्टनर्स अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय देम। एंड पार्टनरशिप के अंदर क्या है कि जितना भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसको शेयर किया जाएगा बिटवीन ए बी एंड सी। तो इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस। देखो, एक प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में मेनली यही फर्क है कि प्रोप्राइटरशिप में तो अकेला एक ही व्यक्ति है, जो कमाया, जो गवाया, जो काम किया उसकी जिम्मेदारी किसकी है, सिर्फ सिर्फ एक ही व्यक्ति, विच इज कॉल्ड द प्रोप्राइटर। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप यहां पर जो भी प्रॉफिट्स होंगे या जो भी लॉसेस होंगे, दीज हैव टू बी शेयर्ड बिटवीन ऑल दी पार्टनर्स इन स्पेसिफिक रेशियो, जिसको हम अभी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पर्संस इज दैट ऑफ पार्टनर्स एंड द बिजनेस इज कैरिड अंडर द पार्टनरशिप फर्म। अब ये क्या बोल रहा है कि ए और बी जो रिश्ता है उनके बीच में वो है पार्टनर्स का, यानी कि ए बी का पार्टनर है और बी ए का पार्टनर है। सिमिलरली ए बी सी तीनों भी आपस में एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। ये तो हो गया रिलेशन, लेकिन जो बिजनेस किया जाएगा, जो भी वो ए बी और सी एक बिजनेस चलाएंगे, उस बिजनेस को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए बी और सी ये तीन लोग हैं, तो इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, दीज आर पार्टनर्स, और ये एक बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द नेम ऑफ ए बी सी ट्रेडर्स। तो ये जो ए बी सी ट्रेडर्स है, जो इनके बिजनेस का नाम है, इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म। सो अ पार्टनरशिप फर्म इज द बिजनेस विच इज बीइंग रन बाय द पार्टनर्स ए बी एंड सी जॉइंटली। ठीक है, सो ए बी सी के बीच में जो रिश्ता है वो है पार्टनर्स का रिश्ता, और जो वो बिजनेस चला रहा है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म। ठीक, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, अब जो हमने डेफिनेशन में से अभी हमने सीखा वही उसके फीचर्स भी होंगे, तो एक बार इसको पढ़ते हैं। इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, तो कम से कम दो या ज्यादा से ज्यादा, और भी हम आगे बात करेंगे कि इतने लोग हो सकते हैं। देयर इज एन अग्रीमेंट whether written or oral to undertake the partnership business collectively. Now, जब A, B और C आपस में ये decide करेंगे कि हमको एक business चलाना चाहिए, करना चाहिए, तो ये जो agreement है, ये जो उनके बीच में सुलह हुई है, agreement हुआ है, जो भी उन्होंने terms and conditions को agree किया है, क्या उसको वो लिखित में रखेंगे, क्या वो एक written document बना ले इसका, या फिर ये ओरली मुंह जबानी ही आप बिजनेस भी कर सकते हो। तो बोथ आर करेक्ट, यू कैन डिड्यूस द टर्म्स एंड कंडीशंस इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट, और इट कैन बी डन ओरली। ठीक है, द बिजनेस फॉर विच द पार्टनरशिप इज एंटर्ड हैज टू बी लॉफुल। ऑब्वियसली आप जो भी काम करने वाले हो वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, आप अनलॉफुल या इलीगल एक्टिविटीज के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते। देयर इज एन अग्रीमेंट टू शेयर The profits or losses in a specific ratio. अब जो A, B और C partnership कर रहे हैं तो कुछ profit भी कमाएंगे। अब जो भी वो profit कमाएंगे तो वो क्या A का होगा, B का होगा या C का होगा, या फिर A, B, C का collective होगा, और अगर collective होगा तो कितना A को मिलना है, कितना B को और कितना C को मिलना है, ये भी decide हमको करना पड़ेगा। The business can be carried by all the partners collectively, वो हमने बात करी थी, और it can be run by a partner with the authority or with the right given by the other partners. Now, registration of firm is optional. देखो, partnership करने के लिए क्या करना है, मुझे और मेरे एक दोस्त को आपस में एक agreement करना है कि हम दोनों आज से partners हैं और एक business हम start करेंगे, और ये उसकी terms and conditions होंगी। अब क्या मुझे इस
एग्रीमेंट को, अपनी पार्टनरशिप को किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके रजिस्टर भी करवाना जरूरी है? नहीं, इट इज ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपल्सरी। बट अगर मुझे कुछ बेनिफिट्स उठाने हैं, अगर मुझे सरकार से कुछ बेनिफिट चाहिए, तो आई नीड टू हैव अ रजिस्ट्रेशन ऑफ माय फर्म। रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण करवाना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करवानी पड़ेगी अपनी फर्म को। जाने के लिए हमें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास अपने एग्रीमेंट को लेके जाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रार के पास जाकर हमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। तो अगर रजिस्ट्रेशन करवा ले तो उसके कुछ बेनिफिट्स होंगे, और अगर रजिस्ट्रेशन ना करवाएं तो वो बेनिफिट्स हमको नहीं मिलते हैं। पर चाहे रजिस्ट्रेशन करवाई है, चाहे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप विल स्टैंड लीगल, वो लीगल है। यानी कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ए, बी और सी को आपस में एक एग्रीमेंट करना है, चाहे वो एग्रीमेंट रिटन हो, चाहे वो एग्रीमेंट ओरल हो, कि आप आज से वो तीनों पार्टनर्स हैं और आज से वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। आज ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, पर ए चाहता है कि एक नया पार्टनर डी हमारे बिजनेस में ऐड कर लिया जाए, तो सिर्फ ए के चाहने से नहीं होगा, बी और सी भी अगर एग्री करेंगे ए के साथ, तभी डी को पार्टनर बनाया जा सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। सिमिलरली एन एग्जिस्टिंग पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू डू सो एंड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और एज पर द एग्रीमेंट। एंड सिमिलरली अगर ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और सी चाहता है कि वो बिजनेस में से चला जाए, ही वॉन्ट्स टू रिटायर और रिजाइन फ्रॉम द फर्म, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? यस, कर सकता है, लेकिन ए और बी एग्री करेंगे तब, या फिर जो उन्होंने एग्रीमेंट में रिटायरमेंट से रिलेटेड क्लॉज लिखा होगा उसके हिसाब से हम उसको रिटायरमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। तो क्या एक माइनर, माइनर कौन होता है? जो 18 साल की उम्र से नीचे है, यानी कि एनी पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज कॉल्ड अ माइनर। तो क्या उस माइनर को हम अपनी बिजनेस फर्म पार्टनरशिप के अंदर एडमिट कर सकते हैं? तो एज पर लॉ हम सिर्फ उसको बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर सकते हैं, उसको हम किसी लॉसेस के लिए, किसी लाइबिलिटी के लिए एडमिट नहीं कर सकते। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ए बी सी जो पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं एक डी जो कि 15 साल का लड़का है उसको हम अपने बिजनेस में ऐड कर लें, तो क्या डी को पार्टनरशिप में ऐड किया जा सकता है? यस, किया तो जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो एक माइनर है तो सिर्फ सिर्फ वो बेनिफिट्स के लिए एडमिट होगा, पर किसी भी तरह की लायबिलिटी, किसी भी तरह के लॉसेस वो बियर नहीं करने वाला। ठीक है। तो दिस इज हाउ अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। सो हमारे को एक आइडिया तो मिल गया अब कि एक पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, और किस तरह से एक पार्टनरशिप को क्रिएट किया जाता है। अब एक बात हमने यहां पर और सीख ली थी, वो ये बोला कि देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। अगर मुझे एक पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो मेरे पार्टनर के साथ मेरा एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है ना। तो हमने यहां पर एग्जांपल लिया कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अंडर द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या उनको एग्रीमेंट चाहिए? यस, उनको एक एग्रीमेंट चाहिए। ए और बी आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। यानी कि ए और बी ने जो कुछ भी डिसाइड करना है या तो वो मुंह जबानी कर लेंगे, ओरली कर लेंगे, या फिर वो लिखित में रिटन एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसके ऊपर हर वो चीज लिखेंगे जो वो चाहते हैं लिखना, या जो भी एग्रीमेंट में वो लिखना या टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस करना चाहते हैं। सो देयर कैन बी एन एग्रीमेंट ओरली, देयर कैन बी एन एग्रीमेंट इन अ रिटन फॉर्मेट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर लीगल। ठीक है। अब अगर हम एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यानी कि हम एक कागज लेते हैं और उस कागज के ऊपर हम सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देते हैं जो भी ए और बी आपस में डिसाइड करते हैं,
तो इस कागज को हम क्या बोलेंगे, इस कागज को हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। तो व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट और अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस अंडर विच ए एंड बी हैव बिकम पार्टनर्स एंड दे डिसाइड टू रन द पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक कागज है जिसके ऊपर हमने ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी हैं जिस तरह से हम अपनी पार्टनरशिप को चलाने वाले। एंड क्योंकि ओरली कभी भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो ओरल पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, ओरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो सकता है। सो एन एग्रीमेंट विच इज रिटन इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड, राइट? तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स विच सेट्स फोर्थ द कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच द पार्टनरशिप हैज बिन डन। यानी कि एक डॉक्यूमेंट, एक रिटन कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर पार्टनर्स ने हर वो टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी हैं जिसके बिहाफ पे या जिसके बेसिस पे हम पार्टनरशिप को स्टार्ट कर रहे हैं। देर इज नो कंडीशन टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। मैंने बताया ना, एग्रीमेंट तो ओरल भी हो सकता है और अगर ओरल होगा तो वहां पर डीड नहीं होगी। एग्रीमेंट अगर रिटन होगा तभी तो डीड होगी, ठीक है? सो यस, देर इज नो कंडीशन टू हैव दिस डीड टू कैरी ऑन द बिजनेस। हाउएवर इट इज ऑलवेज बेटर टू डिड्यूस एवरीथिंग इन राइटिंग टू अवॉइड द डिस्प्यूट्स अराइजिंग अमंग पार्टनर्स इन फ्यूचर। द पार्टनरशिप डीड हैज टू बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैम्प एक्ट। अब एक बात को समझो, ए और बी ओरली डिसाइड करते हैं कि उनको एक पार्टनरशिप करनी है, तो क्या वो पार्टनरशिप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज यस एन एग्रीमेंट कैन बी ओरल। पर एक दो साल तक तो पार्टनरशिप वो जब चला रहे थे तो बिल्कुल सही चल रहा था, कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। पर 2 साल के बाद ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ मतभेद आए, कुछ ना कुछ उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब ए सही है या बी सही है, ए गलत है या बी गलत है, इसका फैसला तो किसी और को करना पड़ेगा। वो अपना लड़ाई झगड़ा लेके कोर्ट में चले जाते हैं। अब कोर्ट में जब जाते हैं तो जज साहब क्या बोलेंगे? जज साहब किसको सही माने, ए को सही माने या बी को सही माने? बिकॉज उनके बीच में जो भी डिसाइड हुआ था वो तो ओरली डिसाइड हुआ था, और ओरली जो भी डिसाइड होगा उसको बाद में सब्सटैंशिएट कैसे करोगे? उसको कौन प्रूव करेगा कि ए सही बोल रहा है कि बी सही बोल रहा है? सो इट इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। दैट इज व्हाई द एग्रीमेंट मस्ट बी इन अ रिटन फॉर्मेट और यू शुड हैव अ पार्टनरशिप डीड। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आज डिसाइड कर ली उनको लिख लिया एक कागज के ऊपर, कल जब भी जाकर किसी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, ए और बी के बीच में झगड़ा हो जाए, तो अल्टीमेटली व्हेन द जज विल कॉल अपॉन द डॉक्यूमेंट, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा, डीड होगी, उस डीड में जो भी कुछ लिखा होगा फिर फैसला उसके हिसाब से ही किया जाए। तो यस, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट विच इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड। अब व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस डीड? सिर्फ उस कागज को ले लेना और उसके ऊपर कुछ भी लिख देना वो पार्टनरशिप डीड नहीं कहलाएगी। टू हैव अ पार्टनरशिप डीड इट मस्ट कंटेन सम इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन पॉइंट 1 to 12। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो उस डीड में हमें लिखनी जरूरी है, जैसे कि पार्टनर्स के नाम, पता और उनकी डिस्क्रिप्शन, यानी कि कौन पार्टनर है, उसका एड्रेस क्या है, वो क्या करता था, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये होना चाहिए। देन फर्म का नाम एंड एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी पार्टनर्स हैं और जो वो बिजनेस चला रहे हैं, लेट से उनका बिजनेस का नाम है कॉन्सेप्ट्स अकेडमी। सो ए एंड बी कौन है, पार्टनर्स हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो क्या काम करते हैं, वो लिखना जरूरी है डीड के अंदर। और ये जो कॉन्सेप्ट्स अकेडमी है, इसका नाम, बिजनेस का नाम क्या है, कॉन्सेप्ट्स अकेडमी, बिजनेस करता क्या है, बिजनेस कहाँ पे किया जा रहा है, एड्रेस क्या है, एंड सो ऑन। तो ये भी हमको लिखना जरूरी है डीड के अंदर। देन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस कहाँ पर सिचुएटेड है, बिजनेस कहाँ पर है, उसकी शॉप क्या है, उसका एड्रेस क्या है, या फिर
अगर बिजनेस बहुत सारी प्लेसेस में हम कर रहे हैं तो हर उस प्लेस ऑफ बिजनेस का नाम पता और एड्रेस हमें लिखना जरूरी है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस, हम जो पार्टनरशिप कर रहे हैं वो उस बिजनेस का नेचर क्या, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाना चाहते हैं, क्या हम कोई कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं, क्या हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोलना चाहते हैं, क्या हम कोई प्रोफेशन रन कर रहे हैं जैसे कि हम डॉक्टर हैं, सीए हैं, एडवोकेट हैं, एंड सो ऑन। व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, क्या करती है आपकी पार्टनरशिप फर्म, ये भी लिखना जरूरी है। देन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स, अब देखो जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पैसा तो लगाना पड़ेगा, यानी कि यू हैव टू हैव सम इन्वेस्टमेंट डन बाय पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। अब कितना पैसा पार्टनर ए ने कंट्रीब्यूट किया है एज हिज कैपिटल और कितना पैसा बी कंट्रीब्यूट करेगा एज हिज कैपिटल, अगर ये भी आप लिख दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देन व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, सैलरी टू अ वर्किंग पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, हर इस चीज के बारे में भी आपको उस डीड में लिखना चाहिए। यानी कि जो पैसा ए ने कैपिटल का दिया है बिजनेस को और जो पैसा बी ने कैपिटल का दिया है बिजनेस को, क्या बिजनेस उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, जिसको हम आईओसी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं, क्या पार्टनर ए और पार्टनर बी कभी बिजनेस में से कुछ ड्रॉइंग्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो उसकी लिमिट क्या है, और वो जो पैसा उन्होंने विड्रॉ किया है क्या उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं आईओडी, क्या ए और बी को एज अ मैनेजिंग पार्टनर कोई सैलरी दी जा सकती है, तो सैलरी टू अ पार्टनर क्या होगा और कितना दिया जाना चाहिए, क्या कोई पार्टनर से हम लोन ले सकते हैं, यानी कि अगर हमारी फर्म कॉन्सेप्ट अकेडमी को कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो क्या पार्टनर ए और पार्टनर बी वो पैसा लोन के तौर पर हमारी फर्म को दे सकता है, और अगर दे सकता है तो उस पर कितना इंटरेस्ट हमें देना चाहिए, और क्या किसी पार्टनर को कोई कमीशन या अन्य किसी तरह की रेम्यूनरेशन दी जानी चाहिए, ये भी हमें आज ही डिसाइड करके अपनी डीड में लिख लेना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में अगर झगड़ा होगा तो इन पॉइंट्स के ऊपर होगा, और अगर इन पॉइंट्स की आपने पहले से ही डिस्क्रिप्शन दी हुई है पार्टनरशिप डीड के अंदर, सो इट विल बी अ बेनिफिशियल सिचुएशन टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। देन प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, अब ए और बी पार्टनर तो बन गए, पर अगर कल को 100 रुपए का प्रॉफिट हमारी फर्म कमाएगी तो इसमें से ए को कितना मिलना चाहिए और बी को कितना मिलना चाहिए, ये रेशियो ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट या रेशियो टू डिवाइड द प्रॉफिट अर्न, ये भी हमें लिख लेना चाहिए कि क्या इसको 50 मिलेगा और इसको 50 मिलेगा, इसका मतलब क्या ये पार्टनर इक्वल हैं, क्या ये पार्टनर इक्वल हैं, क्या ये पार्टनर अनइक्वल रेशियो में शेयर करेंगे, ये सारी बातें हमें डीड में लिखनी चाहिए। देन व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, हर पार्टनर की कुछ राइट है और हर पार्टनर की कुछ ड्यूटी है एक दूसरे के प्रति, वो भी हमें निभानी चाहिए, वो भी हमें लिख देना चाहिए। बैंक का ऑपरेशंस, यानी कि कौन व्यक्ति बैंक के ऑपरेशंस को डील करेगा, कौन व्यक्ति चेक के ऊपर साइन करेगा, कौन पैसा जमा करवा सकता है, कौन पैसा निकलवा सकता है, बैंक ऑपरेट कौन करेगा, ये सारी चीजें हमें लिखनी चाहिए। देन ड्यूरेशन फॉर विच द पार्टनरशिप हैज बीन एंटर्ड इनटू, क्या हमने जो पार्टनरशिप ए और बी ने करी है क्या उसको हमने किसी टाइम या किसी पीरियड के लिए बनाया है, तो वो भी हमें लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने बोला कि हम 2 साल के लिए पार्टनरशिप करेंगे, तो द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप विल बी 2 ईयर्स फ्रॉम दिस डेट, तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। क्या हमने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पार्टनरशिप करी है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, मॉल बनाना चाहते हैं, और जब मॉल बन जाएगा तो उसमें जितनी भी शॉप्स होंगी उनको हम बेच देंगे, एंड व्हेन वंस वी सेल ऑफ दिस मॉल तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे एंड उसके बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए पार्टनरशिप करी है, एंड व्हेन दिस पर्पस इज अचीव्ड और फुलफिल्ड तो हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। लास्ट, पार्टनरशिप कैन बी एट विल, यानी कि मन मर्जी के लिए पार्टनरशिप करी है, मन मर्जी मतलब ये पार्टनरशिप एट विल है, इसका मतलब जब तक ए और बी साथ रहना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते थे, स्टार्ट किया, और अल्टीमेटली दे आर रनिंग द पार्टनरशिप फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स विदाउट एनी डिसरप्शन, और वो नहीं चाहते कि बिजनेस बंद करा जाए, तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। जिस दिन उनकी मनमर्जी आ जाए कि आज हमें बिजनेस को बंद कर देना है, चाहे वो 10 साल बाद है, चाहे 20 साल बाद है, तो वो कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप किसी टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती है,
पार्टनरशिप अनलिमिटेड पीरियड के लिए हो सकती है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, और पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी की जा सकती है जिसको हम बोलते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। देन सेटलमेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, कहता है अगर कल को पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो जाए तो उस झगड़े का निवारण कैसे करना है, उस झगड़े को सॉल्व कैसे करना है, उस केस की सेटलमेंट कौन करेगा, हमें किस कोर्ट में जाना चाहिए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारे डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा, वो भी हमें यहां पर लिखना चाहिए। और एनी अदर प्रोविजन दैट द पार्टनर्स मे डिसाइड कैन बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड, और अन्य कोई भी इसके अलावा चीज लिखना चाहते हैं फ्यूचर के लिए लिखना चाहते हैं ताकि डिस्प्यूट ना हो तो वो इस डीड के कंटेंट्स के अंदर उसको डाल सकते हैं। तो हमें एक बात तो बहुत क्लियरली समझ आ गई, पार्टनरशिप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कम से कम दो व्यक्ति होंगे, जो व्यक्ति होंगे उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं, वो पार्टनर्स एक एग्रीमेंट के तहत पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, वो एग्रीमेंट चाहे ओरल हो सकता है चाहे वो रिटन हो सकता है। अगर वो ओरल है तो फिर उनके बीच में कल को जब झगड़ा होगा तो इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व और सेटल दैट डिस्प्यूट, पर अगर वो रिटन डॉक्यूमेंट बना ले जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं तो फिर झगड़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं बिकॉज हर चीज रिटन में होगी, और अगर झगड़ा हो भी जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास कुछ रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा। फिर पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये एक कागज होता है जिसके अंदर हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन डालनी है, वो जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है वो अभी हमने बात करी पॉइंट वन से लेके ट्वेल्थ तक। सो दिस इज अ पार्टनरशिप काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।